नमस्कार। दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा चतुर्वेदी। आज सोमवार है, तारीख 3 अप्रैल, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। देख लीजिए वो खबरें जो रही सुर्खियों में। राहुल गांधी मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान वे खुद अदालत में मौजूद रहेंगे। मोदी सरनेम पर दिए बयान से जुड़े केस में इसी अदालत ने 24 मार्च को उन्हें सजा सुनाई थी। अगर राहुल को 22 अप्रैल तक सूरत कोर्ट या हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नवादा में आयोजित सभा में राज्य के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती, मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए 12 करोड़ डॉलर यानी करीब 986 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस और इंटेलिजेंस अधिकारी पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ का कॉम्पिटिटर खोज रहे हैं जो इतना चर्चा में न रहा हो। 2021 में केंद्र पर पेगासस के जरिए नेताओं और पत्रकारों की जासूसी के आरोप लगे थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कांग्रेस फाइल नाम से वीडियो कैंपेन शुरू किया है। बीजेपी ने इसका पहला वीडियो रिलीज किया है जिसे कांग्रेस मतलब करप्शन नाम दिया। इसमें कांग्रेस की 70 साल के शासन में हुए 4.82 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के घोटालों की ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी। ईरान में हिजाब न पहनने पर एक आदमी ने 2 महिलाओं के सिर पर दही डाल दिया। माँ बेटी एक दुकान पर सामान खरीदने गई थी, तभी एक आदमी हिजाब न पहनने पर उनसे बहस करने लगा। पुलिस ने उस आदमी को माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही दोनों महिलाओं को भी अरेस्ट किया है। ईरानी कानून के मुताबिक 7 साल से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी है। अब देख लीजिए वो इवेंट्स जिन पर रहेगी आज हमारी नजर। पीएम मोदी दिल्ली में सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन दिल्ली में विपक्षी दलों के साथ मीटिंग करेंगे। और अब थॉट ऑफ द डे। आप गलतियां नहीं कर रहे, मतलब आप फैसले नहीं ले रहे। तो आज की बात बस यही तक, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर। क्योंकि सच करीब से दिखता है।